यही तोपचाची का वाटरफॉल का मेन गेट है और इसी के अंदर से यही रास्ता से हम लोगों का अंदर जाना है। तो फिलहाल आज यहाँ पर कलश यात्रा है जो बस कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अंदर की ओर चलेंगे और वहाँ का नज़ारा आपको देखेंगे। वेलकम टू बैक माई चैनल। तो दोस्तों आज हम तोपचाची के झरना झील में आए हुए हैं। तो चचा ये झरना झील के गार्ड हैं जो गेट को अप डाउन करते हैं और अंदर जाने का परमिशन यही देते हैं। कल इसका टिकट का रेट कितना है अंदर जाने के लिए? 15 रुपये। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो ये झरना झील है, चलिए अब हम लोग इनका अंदर प्रवेश करेंगे और जाके देखते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग तोपचाची के वाटरफॉल यानी झरना झील में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है और बहुत ही, आप लोग भी आइए और मस्ती कीजिए। तो वाओ क्या सीन है दोस्तों। तो आप लोग देखिए गौर से, ये झारखंड, हमारा झारखंड का तोपचाची शहर के तोपचाची वाटरफॉल के सीन है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों अब हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं और देख रहे हैं, तो चलिए उस ओर जाते हैं और वहां से बाइक को खड़ा करके यहां चारों ओर का नज़ारा दिखता हूं। देखिए चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है, पानी ही पानी है। वाह क्या कुदरत ने बनाया है, कुदरत की बनावट के आगे इंसान ने भी क्या परखा इनको। और देखिए ये डैम तो इंसान के द्वारा बनाया गया है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पहाड़ी से पानी यहाँ निकलता है और ये पानी बहुत ही स्वच्छ और शीतल है। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर चलते हैं और बातें करते हैं। बहुत बढ़िया सीन है, बहुत बढ़िया नज़ारा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है और पानी तो ज़बरदस्त पानी है, ठंडा बहुत है पानी। तो चलिए मुँह तो मैंने धो लिया, अब आगे की ओर देखते हैं और बताते हैं आपको। और दोस्तों मैं तोपचाची के वाटरफॉल में पहुंच चुका हूं और वाटरफॉल के पास मैं पहुंच चुका हूं और यहां पर अब मैं आप लोगों का नज़ारा दिखाऊंगा। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यह नज़ारा जो है वो झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के तोपचाची टाउन में ही बसल है और बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ आने के लिए 15 रुपये का टिकट मात्र लगता है, आप लोग भी आइए और फैमिली को भी लाइए, बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ से पानी निकलता है और पहाड़ का जो पानी निकल के ही इसको डैम बांधा गया है और पानी इतना ठंडा है जो आप एक बार अगर यदि ले लेते हैं तो लगेगा कि मैं फ्रिज का पानी ले रहा हूँ, बहुत ही शीतल पानी है। तो आप लोग भी आइए और घूमिए और यहाँ पर बहुत तरह के लोग आते भी हैं, फैमिली वाले भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। तो दोस्तों मैं चारों और कैमरा घुमाकर आपको इस डैम की दर्शन को कराता हूँ जो बहुत ही शानदार और सुंदर सा है, जो लोगों की काफ़ी भीड़ भी होती है या एक पार्क की तरह है। ये झील का डैम है जो पानी को रोकने के लिए बनाया गया है और यह झील सबको दिखा रहे हैं, सब तरफ पहाड़ी पहाड़ है, देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है, सब तरफ नहा क्योंकि कैमरा से तो दोस्तों मैं बता दूं या झील इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के सभी जानवरों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि यह जंगल में है और यह बहुत बड़ा जंगल है क्योंकि यहाँ के सभी जानवर यहाँ आके पानी अपनी प्यास को बुझाते हैं और यह पानी से या पहाड़ी से पानी निकलकर ये डैम में जमा होते हैं और पानी बहुत ही ठंडा पाया जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरा पाया जाता है। और लोगों पहाड़ी के चारों ओर से रास्ता बनाया गया है एक पार्क की तरह, जो लोग आकर बैठ के अपने आत्मा को शांति देते हैं और चारों तरफ से मजा लेते हैं। तो दोस्तों हमारे इस तरह के वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।